गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आमिर हुसैन सिस्टेक मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है सिलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग के बारे में। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेज़र जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ को इमिट करता है, स्कैनर सिस्टम अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रिसीव करता है और आपके कैड मॉडल में आपने जो भी ड्राइंग बनाया होता है उसको ये एक फिज़िकल मॉडल में एक शेप प्रोवाइड करता है। रोलर जो है आपका वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव होता है और नायलॉन पाउडर को पाउडर बेड के ऊपर सप्लाई करता है लेयर बाय लेयर। रोलर सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट मूव होता है, देन पाउडर बेड में पाउडर सप्लाई करने के बाद राइट टू लेफ़्ट वापस अपनी लोकेशन पर पहुँच जाता है। उसके बाद पाउडर डिलीवरी सिस्टम जो रहता है ये नीचे से ऊपर की तरफ हर लेयर बाय लेयर के बाद मूव होता है अपवर्ड की डायरेक्शन में। पाउडर बेड जो है जैसे ही एक लेयर के ऊपर ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है फिर ये फैब्रिकेटेड पिस्टन नीचे की तरफ मूव होता है। अब बात कर लेते हैं वर्किंग के बारे में। जैसे ही लेज़र अपनी इलेक्ट्रॉन बीम या फिर अपनी अल्ट्रा वायलेट रेज इमिट करता है तो वो स्कैनर सिस्टम के पास चला जाता है। स्कैनर सिस्टम आपका ऑटोकैड से कनेक्ट रहता है। जो भी आपने 3D मॉडलिंग ऑटोकैड पे बनाई है वो मॉडल लेयर बाय लेयर इस पाउडर बेड के ऊपर अप्लाई होने लगता है, फंक्शन काम करने लगता है, पार्ट ज्योमेट्री उस पर बनने लगती है। जैसे ही एक लेयर के ऊपर पार्ट ज्योमेट्री बनती है फैब्रिकेटेड पिस्टन नीचे की तरफ मूव हो जाता है और आपका पाउडर डिलीवरी सिस्टम ऊपर की तरफ मूव होता है। जैसे ही आपका पाउडर डिलीवरी सिस्टम ऊपर की तरफ मूव होता है रोलर आपके नायलॉन पाउडर को इस पाउडर डिलीवरी सिस्टम से निकाल कर पाउडर बेड के ऊपर स्प्रेड कर देता है और अपनी लोकेशन पर वापस आ जाता है। सिमिलरली फिर से स्कैनर सिस्टम क्या करता है, एक नई लेयर को आपके पाउडर बेड सिस्टम के ऊपर एक नई लेयर के साथ एक और पार्ट ज्योमेट्री बनाता है। जैसे ही वो पार्ट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाती है फिर से आपका फैब्रिकेशन पिस्टन नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव होता है और आपका पाउडर डिलीवरी सिस्टम ऊपर की तरफ मूव होता है। अगेन रोलर आपके नायलॉन पाउडर को पाउडर बेड के ऊपर स्प्रेड करता है एंड देन अगेन अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। यही प्रोसेस फिर बार बार रिपीट होती रहती है। ये है आपका सिलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग मेथड। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे फ्यूज़ डिपोजिशन मॉडलिंग मेथड। फ्यूज़ डिपोजिशन मॉडलिंग मेथड भी दोस्तों एक तरह का रैपिड प्रोटोटाइपिंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड ही है। फ्यूज़ डिपोजिशन मेथड के अंदर हमारे पास एक रोलर होता है जिसके ऊपर हम एक पॉलीमर की शीट हमने स्टिक की हुई है। ये फिलामेंट होता है। ये पॉलीमर की शीट सबसे पहले रोलर्स के पास से होके गुजरती है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, रोलर है यहाँ पर जिसके ऊपर हमने एक फिलामेंट की शीट रोल करके रखी है। फिलामेंट की शीट रोलर्स के थ्रू पास होके जाती है, रोलर्स इसको और भी थिन शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। यही फिलामेंट शीट फिर आपके टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट के पास से होके गुजरती है। टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इस फिलामेंट शीट को हीट अप कर देता है और मेल्ट कर देता है। देन इट पासस थ्रू द नोजल। नोजल के पास से जैसे ही ये फिलामेंट शीट गुजरती है तो ये एक टॉर्च की तरह काम करता है और वहाँ से एक फिलामेंट को नीचे की तरफ, मेल्टेड फिलामेंट को नीचे की तरफ फेल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ चला जाता है। अब इसके ऊपर प्लेटफॉर्म आप जो देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड शेप डेट यू हैव डिज़ाइन ऑन द ऑटोकैड इट विल स्टार्ट टू अपेयर ओवर द प्लेटफॉर्म। दिस इज अवर फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वायरी or any kind of a question, please comment below. Thank you.